च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्द रूपः शिवो दोस्तों। इस समय हम हैं दंडेश्वर महादेव मंदिर के बाहर बिल्कुल गेट पे, और दंडेश्वर महादेव जो है वो जागेश्वर जो एरिया है जो हमारा पड़ता है उत्तराखंड में। तो यहाँ का जो खास बात है इस दंडेश्वर महादेव की वो ये है कि यहाँ पे जो पुजारी लोग होते हैं वो ठाकुर होते हैं, और बाकी अधिकतर सारे मंदिरों में पर जो पुजारी होते हैं रावल या ब्राह्मण होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुजारी होते हैं वो ठाकुर होते हैं। दूसरा यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे शिव जी और सप्त ऋषियों से जुड़ी हुई यहाँ से बहुत सारी कहानियाँ हैं, और उन्होंने एक साथ यहाँ पे तपस्या भी की थी। तो चलिए अंदर करते हैं दर्शन और बताते जाते हैं आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी दोस्तों। उत्तराखंड के प्रमुख देव स्थलों में जागेश्वर धाम प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माना जाता है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ये कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले से 38 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है, और जागेश्वर को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एंटर करते ही लेफ्ट साइड में एक बहुत छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले करते हैं इनको प्रणाम और आप भी करिए पहले इनके दर्शन। ये देखिए, ये हैं हमारे भैरवनाथ बाबा जी। बहुत ही सुंदर छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, त्रिशूल वगैरह भी बहुत सारे रखे हुए हैं। और दोस्तों भैरवनाथ बाबा के बिल्कुल साथ में जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं ये जा रही हैं ब्रह्मकुंड की तरफ। इसका हम वापसी में दर्शन करेंगे, पहले हम चलते हैं चंडिका मंदिर की तरफ जो कि है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड यानी कि राइट हैंड की तरफ। तो पहले हम करते हैं चंडिका माता के दर्शन, फिर हम करते हैं आगे। और दोस्तों ये जो जागेश्वर धाम है, पूरा जागेश्वर एरिया है, ये 125 मंदिरों का समूह है, और जिसमें से 124 मंदिर जो हैं वो हमने जागेश्वर मंदिर में पिछले वीडियो में देखे थे, और 125वां मंदिर जो है वो है ये दंडेश्वर महादेव जी का मंदिर। और इस 125वें मंदिर में भी एक बड़ा मंदिर और 14 अधीनस्थ मंदिर है, यानी कि छोटे छोटे 14 और मंदिर हैं। तो इस पूरे एरिया में 15 मंदिरों का ये समूह है। तो सबसे पहले हम बाहर के छोटे छोटे मंदिरों के जो बाहर हैं उनके दर्शन करते हैं, फिर हम करेंगे बड़े मंदिर के दर्शन। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना अंधेरा है, बहुत ही अंधेरा है, लेकिन शिवलिंग थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं दिया जल रहा है यहाँ पे, त्रिशूल भी साथ में लगा हुआ है, और बाहर इतनी रोशनी और अंदर इतना एकदम से अंधेरा, ये देखिए। और चलिए अब हम आ गए हैं बाहर। अब बाहर की तरफ और भी छोटे छोटे से दो मंदिर और भी दिख रहे हैं, इनके भी दर्शन करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे और भी अंदर की तरफ, क्योंकि इस पूरे मंदिर को दो भागों में विभाजित किया, एक बीच में ब्रिज बनाया हुआ पुल, पुल के इधर गेट से घुसते ही कुछ दो चार मंदिर हैं छोटे छोटे से, और पुल को क्रॉस करने के बाद फिर दूसरे मंदिर है जहाँ पे सप्तऋषि मंदिर हैं, और मुख्य जो मंदिर है दंडेश्वर महादेव जी का वो है। ये बाहर जो छोटे छोटे मंदिर, इन सभी में शिवलिंग विराजमान है जो कि बहुत ही मुझे खंडित होते हुए नज़र आ रहे हैं, टूटे फूटे से हैं। और देखिए दोस्तों अधिकतर आपने देखा होगा शिव जी के चारों तरफ की जो एरिया बनाते हैं वो एक ओवल सी शेप में होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर शेप में बनाया हुआ। ये मैंने पहला ऐसा शिवलिंग अभी तक देखा है जिसमें इस तरीके की शेप चारों तरफ बनाई गई है, बिल्कुल अलग लग रहा है ये शिवलिंग। और इसके बीच में भी देखिए पूरा अंदर गड्ढा बनाया हुआ, वैसे चारों तरफ प्लेन होता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये शिवलिंग के चारों तरफ एक पूरा गड्ढा सा बनाया हुआ है यहाँ पे, और इसके चारों तरफ की शेप बिल्कुल स्क्वायर में बनाई हुई है। और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर है, स्क्वायर है और बीच में अंदर गड्ढा सा बनाया हुआ शिवलिंग के जस्ट चारों तरफ। और दोस्तों ये मंदिर की चार दीवारी जो है इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ रास्ता एक अलग से आता, वो सामने जो एक कुटिया दिखाई दे रही वो सीताराम बाबा जी के हनुमान जी की कुटिया वहाँ पर उन्होंने बनाई, वो हम बाद में दर्शन करेंगे लास्ट में वहाँ पे जाके। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों नीचे ये नदियाँ दो बहती हुई नज़र आ रही हैं, ये देखिए ये नदी दिख रही है आपको। तो ब्रिज के दोनों तरफ नदियाँ, ये राइट हैंड पे जो नदी है इसे कहते हैं जटायु गंगा, और लेफ्ट हैंड पे उसे कहते हैं दूध गंगा, लेकिन जटायु को यहाँ के लोग जाट गंगा भी बोलते हैं। और दोस्तों ये जो नीचे आपको नदी बहती हुई दिख रही है इसको कहते हैं जाट गंगा। तो दोस्तों जाट गंगा या जटायु गंगा और दूध गंगा के बीच में है ब्रिज जो जाता है हमारा दंडेश्वर का जो मेन एरिया है उस तरफ। यहाँ पे भगवान शंकर या सप्तऋषि रहा करते थे, उन्होंने वो किया था तपस्या की थी शायद। अच्छा कि कोई जागेश्वर महादेव के बारे में बता रहा था कि वहाँ पे की थी तपस्या, ऐसा कुछ
यहाँ तपस्या, यहाँ उनको दंड दिया तब यहाँ पे वो स्थापित हुए, और वो तो यहाँ वहीं से सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना, पहले शिवलिंग की पूजा वहाँ हुई थी सबसे पहले। वैसे 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर दारुकावली गुजरात के उसको बोलते हैं, बट ये लोग बोलते हैं कि नहीं ये पुराना है। और बाकी देखिए तो जितने सब एंशियंट मंदिर है ना, उसमें सबसे पुराना यही दिख रहा है। तो यहाँ पे दंड किसको दिया गया था? शिव जी को दंड दिया गया था, सप्त ऋषि ने दिया था कि उनके लिए पूजा के लिए वो डेली उनकी पत्नियाँ फूल लेके जाती थी। हाँ। और वो ऋषि ने जब वो एक दिन फूल लेके नहीं पहुँचे, यहाँ पे शंकर भगवान डांस कर रहे थे बाल रूप में, अच्छा, तो उन्होंने दंड दिया कि उन्होंने मेरी पत्नी को मोहित करके रखा हुआ है, इसीलिए उन्होंने दंड दिया, इसीलिए उनको दंडेश्वर महादेव। बहुत अच्छी कहानी, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं दंडेश्वर महादेव जी के दर्शन और फिर हम देखेंगे आगे के और भी बहुत सारे मंदिरों। अरे वाह, क्या बात है, क्या शिव जी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह, कितने सुंदर शिव जी हैं। दिया देखो कितना सुंदर लग रहा है ना रजत, जबरदस्त है यहाँ पे तो। जय शिव। समझ नहीं आ रहा कहाँ कौन से, ये पूरे शिवलिंग है ना बेटा, ये पूरा इतना बड़ा। हाँ, और ऊपर से नाग जी डमरू, इधर ये दिया, पूरे शिव जी हैं ये। जय शिव, इतने जबरदस्त शिवलिंग मैंने कहीं नहीं देखे। ये दंडेश्वर महादेव, हाँ, इनके बारे में पंडित जी कुछ बताइए थोड़ा सा। बैठ सकते हैं यहाँ पे, बैठ सकते हैं। बहुत ही ऐसी मतलब फीलिंग आ रही है, भोलेनाथ के बाल रूप में यहाँ पर विराजमान है अवस्था में। ये शिव जी का बाल रूप है। हाँ, बाल रूप में यहाँ पर, अच्छा, ये शिव जी का बाल रूप है दोस्तों। और यहाँ पे शिव जी का जो शिवलिंग की जगह पूरी शिला है, और इसमें मुझे शेष नाग जैसी आकृति साफ दिखाई दे रही, जो आपने देखा होगा सर्कल बनाया था मैंने भी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त अनुभूति है यहाँ। तो चलिए थोड़ा सा जल चढ़ा के शिव जी पे, फिर हम पंडित जी से बात करते हैं यहाँ के बारे में। लेटे हुए ना, मुझे कोई मिले थे बाहर, उन्होंने बताया कि शिव जी को दंड दिया था सप्त ऋषियों ने, इस तरीके का कुछ। क्या रही इनकी कहानी? ये भोलेनाथ जब यहाँ पर आए थे कहते हैं जी, तो वो अपना अच्छी लगी यहाँ पर अपना नृत्य में तांडव मगन थे, अच्छा। तो यही सप्त ऋषि भी रहा करते थे, तो सप्त ऋषि उनकी उनकी पत्नियां भी थी, तो रोज उनकी पूजा के लिए यहाँ स्नान करके फूल लेने जाती थी, फूल लेके जाती थी पूजा के लिए। तो उस दिन वो उनको नेती देख के, वो उनको देख के मोहित रहेगी, देखे रहेगी नेती। तो ऋषि मुनि ने कहा हमारी पत्नियां फूल लेके नहीं आई, कहाँ गई? वो ढूंढने आए, उन्होंने कहा कहाँ चली? यहाँ देखा कि बालक ने क्या नाम करते हैं मोहित कर रखा है। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, हमारी पत्नी को इसने बालक ने मोहित कर रखा है, उन्हें श्राप दे दिया। दंड तभी वो 3 करोड़ देवी देवता जो यहाँ पर इकट्ठा हुए मंदिर समूह, टोटल जाके सुनिए फर्स्ट मंदिर है तो यहीं से उत्पत्ति। तो टोटल मंदिर समूह जितने देवी देवता आए उतने बने, जितने की नहीं बने वो कोटेश्वर में लिंग सब रूप कर दिए गए। और जो ये जागेश्वर महादेव जी का, तो मैंने सुना कि जहाँ जहाँ वो खंडे विष्णु भगवान ने सुदर्शन में चला, जहाँ जहाँ वो गिरे तो उन्होंने भी समाधान ही निकाल पाए, वहाँ वहाँ ज्योतिर्लिंग है, और उसमें लास्ट में पार्वती जी का ही आह्वान था, उन्होंने ही वो और जो जागेश्वर महादेव जी, तो कहते हैं शिवलिंग की पहली बार पूजा वहीं से शुरू हुई, ऐसा कुछ है?
शिवलिंगों की जो पूजा पहली शुरू हुई वो जागेश्वर मंदिर से शुरू। हाँ, जागेश्वर में वो साक्षात यहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होती है, कहते हैं दोबारा अवश्य आता है। आधे आदमी तो जागेश्वर घूम के जिसको दर्शन करने आते हैं, नहीं तो कोई तो सीधे ही निकल जाता है। इनके दर्शन में उनको ही होते हैं जिनको इनका बुलावा आता है। बिल्कुल, मैं तो रात को ही आने वाली थी लेकिन अंधेरा बहुत हो गया था, फिर मैंने कहा ढंग से देख नहीं पाऊंगी तो जाने का फायदा नहीं, सुबह ही करेंगे दर्शन। बहुत ही अच्छा, मेरा बहुत मन था इनके दर्शन करने का। बहुत अच्छा, थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर और देखिए बाहर कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का। ये देखिए हमारा प्यारा सा मंदिर, और मंदिर के बिल्कुल सामने एक चबूतरा सा बनाया हुआ है। ये देखिए इस पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हैं। ये सारे मंदिर जो हैं वो सप्तऋषियों के हैं, इनके भी दर्शन अभी करेंगे, लेकिन पहले करते हैं हम इस मेन मंदिर की एक परिक्रमा, फिर दिखाते हैं हम आपको सप्तऋषियों के मंदिर। तो चलिए चलते हैं मंदिर के चारों तरफ, एक राउंड मार लेते हैं चारों तरफ का देख लेते हैं, और उसके बाद हम आते हैं सप्तऋषि की तरफ। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक जो आगे नाली जैसी दिखाई दे रही बनी हुई, ये यहाँ से आता है जो हम शिव जी पे जो जल चढ़ाते हैं, वो जल इस पूरे एरियाज में होता हुआ और ये नीचे की तरफ जा रही है दूध गंगा, उसमें मिल जाता है जाके। ये सारा जो जल है यह जो हम शिव जी पे चढ़ाते हैं वो सारा ये जल इसके थ्रू ये नीचे दूध गंगा बह रही है इसमें मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके दर्शन करने के बाद आपको दिखाते हैं सप्तऋषियों के दर्शन कराते हैं। ये जो आपको चारों तरफ ये सात जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे सप्तऋषियों के मंदिर हैं। मतलब जिस सात ऋषि थे तो ये सात मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं उन सप्तऋषियों के नाम पे। और ये जो पीछे अभी हमने आपको दर्शन कराए हैं, तो ये पीछे जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये है मेन हमारा शिव जी का दंडेश्वर महादेव, जहाँ पे शिव जी बाल रूप में लेटे हुए हैं। तो ये पहला मंदिर है जहाँ पे शिव जी के बाल रूप में लेटे हुए प्रतिमा है, मतलब शिवलिंग है। और यहाँ पे ये पहला मंदिर है जहाँ पे जो पुजारी लोग हैं वो ठाकुर होते हैं, बाकी सब जगह रावल या ब्राह्मण वगैरह होते हैं, लेकिन यही एक मंदिर है जहाँ पे, और यही एक मंदिर है जहाँ पे शिव जी और ऋषियों ने एक साथ बैठ के तपस्या की और अपना बहुत सारा समय इस जगह में व्यतीत किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह की अपने आप में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पे बैठ के ऐसे फील हो रहा है कि अगर आप बैठेंगे और टच भी करेंगे ना तो आपको वो वाइब्रेशन महसूस होगी, इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे। ये वाली जो अच्छा मतलब परमानेंट जलती ही रहती है, हम इसको ढक दूंगा शाम के लिए, ताकि सवेरे तक फिर मेरे को फिर मिल जाती है। तो मतलब अनगिनत सालों से चली आ रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जगह। तो हम इसकी भगूत वगैरह ले सकते हैं? ले सकते हैं, आप दीजिएगा प्रसाद में हमें। और दोस्तों जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि ये अखंड धुनी है जो अनगिनत सालों से जलती ही चली आ रही है, और देखिए कितना धुआं धुआं रहा, पूरा काला हो गया ऊपर। ये जो शिवलिंग है ये अलग हैं थोड़े से, ये ब्रह्मा जी हैं, वो हर टाइम में टेस्ट करने पे निकलता है क्या? हां हां सर, आज टेस्ट करने के लिए क्या है, वो खंडित कर रहे थे मुगल वगैरह जो थे। हां हां, ये खंडित कर दिए गए, ये सारे खंडित किए गए हैं। ये ब्रह्मा जी है, मतलब तो मैंने ब्रह्मा जी को मैंने सुना तो ब्रह्मा जी का मंदिर। अच्छा अभी देखते हैं, ये ब्रह्मा जी है।
तो दोस्तों, दंडेश्वर महादेव जी के दर्शन के बाद और ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद, सप्तऋषियों के दर्शन के बाद, अब हम चल रहे हैं कुबेर जी के मंदिर की तरफ, जो कि थोड़ी ऊपर की तरफ अलग बनाया हुआ मंदिर। और दोस्तों, अगर पुराणों की माने तो कुबेर जी को शिव जी का द्वारपाल कहा जाता है। और कहते हैं कि जो भी इस कुबेर मंदिर के दर्शन करता है, इसको स्पर्श भी करता है आके, तो उसके जितने भी धन से संबंधित कार्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं। मतलब उनका कोई भी कार्य रुकता नहीं है, किसी भी प्रकार से उनका जो धन से संबंधित कार्य होते हैं वो हमेशा पूरे ही हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं कुबेर जी के दर्शन। हालांकि दोस्तों, इस मंदिर में कुबेर जी भी शिवलिंग रूप में ही हैं। ये देखिए, जय कुबेर महाराज जी। आप कुबेर जी के दर्शन करके हम निकलते हैं बाहर। देखिए, ये रहे शिवलिंग। बहुत ही पुराना एरिया लग रहा है, पूरा देखने से लग रहा है कि बहुत सालों पुराना मंदिर है ये। और दोस्तों देखिए, ऊपर से कितना सुंदर चारों तरफ का नज़ारा लग रहा है। काफ़ी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं। अल्मोड़ा के सबसे ऊंचा मंदिर ये कहा जाता है, जो दंडेश्वर महादेव जी का एरिया, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ का। तो दोस्तों, अगर आप भी इस अद्भुत अविस्मरणीय स्थान के दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं हवाई जहाज से, तो आपको निकटतम हवाई अड्डा पड़ेगा पंत नगर, और वहाँ से 116 किलोमीटर की दूरी तय करके आप टैक्सी से या बस से यहाँ आ सकते हैं। अगर आप रेल से आना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन सबसे पास पड़ेगा, और यहाँ से अल्मोड़ा की दूरी लगभग 82 किलोमीटर है। तो आप आराम से यहाँ पर टैक्सी लेके आ सकते हैं। और अगर आप सड़क के द्वारा कार से या गाड़ी से आना चाहते हैं अपनी, तो आप आराम से आ सकते हैं, क्योंकि सभी सड़कों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, लेकिन आप आइएगा ज़रूर, क्योंकि आपको यहाँ पे होने वाले हैं बहुत ही अच्छे दर्शन, और आपको आने वाला है बहुत ही आनंद। जय शिव।